हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन बुक के बारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये है घटना चक्र की बुक और इस बुक के अंतर्गत हम आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। ये इसका होगा पार्ट फोर और इससे प्रीवियस पहले के जितने भी पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि वो सभी पार्ट आप देखिए। देखिए इस बुक में आपके एसएससी के द्वारा कंडक्ट करे गए कोई भी एग्ज़ाम, जैसे आपका एसएससी सीजल टायर वन का एग्ज़ाम होता है, 10+2 का एग्ज़ाम होता है, एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, सीपीयू का एग्ज़ाम होता है, एफसीए का एग्ज़ाम होता है और स्टेनोग्राफर तथा अन्य काफ़ी सारी जो भी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी के लिए ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। ये एक ऐसी जीके होती है जो आपको पता होनी चाहिए और इस बुक को ख़त्म करने के बाद, ढंग से इसको पढ़ने के बाद आपका एक बैकबोन बन जाता है, आपकी एक बैकबोन स्ट्रांग हो जाती है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को याद ही आपने कर रखा है आराम से, और आपको पता भी है कि नया पेपर कोई भी डिज़ाइन एसएससी करता है उसका 90% क्वेश्चन कम से कम प्रीवियस एग्जाम में से ही कॉपी करके नए एग्जाम में पेस्ट करता है। जी हाँ, कॉपी पेस्ट बस यही चलता है। बाकी 10% थोड़ा सा कुछ नया, जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन को डाल देगा, थोड़ा सा एक प्रीवियस क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा टिपिकल बना करके उसकी लैंग्वेज चेंज करके वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ बच्चे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसका सही जवाब दे देते हैं। देखिए एसएससी एग्जाम में क्या होता है क्या नहीं होता है वो अभी हम देखेंगे इस वीडियो में, आगे जब हम इस बुक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी थॉट, यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, 25 और लेटर्स बचे हैं उन पर ट्राई करो। लाइफ को हमेशा के लिए ख़त्म मत करो, फुल स्टॉप मत लगाओ, निरंतर चलते रहो। अगर आपने कोई एम सेट कराया कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, अगर बात नहीं बन पा रही है तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करो, प्लान जो ए बनाया है प्लान ए थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको प्लान बी में कन्वर्ट करो और नई प्लानिंग फिर से स्टार्ट करो और पिछली जो गलती हुई है उससे सीखो और आगे बढ़ो। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो पार्ट 5, 1, 2, 3, 4। ये सारे पार्ट इसमें ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो ये है इस वीडियो का पार्ट 5। अब हर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर और नीचे हम देखेंगे कि किस ईयर में वो क्वेश्चंस पूछा गया है। और एक बात और कि आप शायद कुछ ये सोच रहे होंगे कि 2006 का क्वेश्चन हम अब क्यों पढ़ें, 2017 में आखिरकार कहाँ क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा नहीं होता है। एसएससी डिपार्टमेंट केवल कॉपी पेस्ट करता है, वो ये नहीं देखता कि कितना पुराना क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, इतिहास इतिहास होता है, आपका आधुनिक भारत होता है, उसमें चेंज नहीं होते हैं। तो जो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, क्या उसका अस्तित्व खत्म हो गया? 1914 का क्वेश्चन वो अब नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। या फिर अकबर, बहादुर शाह जफर, या फिर 1857 की क्रांति, क्या अब वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है ना। तो ये सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से आप निकाल दो कि इतना ओल्ड क्वेश्चन अब नए एग्जाम में कहाँ पूछेगा। बिल्कुल पूछेगा और पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो ये पार्ट 5 होगा, ये होगा शेर शाह सूरी से संबंधित, क्योंकि एग्जाम में शेर शाह सूरी से संबंधित एक नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये जो सेक्शन है हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हंस के पढ़े रोके पढ़े बट पढ़ना तो पड़ता ही है। नोटबुक उठा लीजिए, नोट्स बनाइए अपने और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का, इसको बोलते हैं टकसालित, मतलब मिंट किया गया था। देखिए मिंट होता है एक्चुअली टकसाल, मिंट मतलब जहां पे कॉइन प्रिंट होते हैं उसको बोलते हैं मिंट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के पास जो पड़ता है नियर में नोएडा, नोएडा में आपको मिंट मिलेगी, वहां पे 5 के कॉइन, 2 के कॉइन, 1 के कॉइन और 10 का कॉइन प्रिंट होता है। तो जो मिंट होता है, मिंट इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, टकसाल बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ये किसने स्टार्ट करा था, ये करा था सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने। तो इसके समय में टोटल कितनी टकसाल खुली थी, कितनी प्रिंटिंग की फैक्ट्री खुली थी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, शेर शाह के समय टोटल 23 टकसालें थी। तो आप ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आपसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकता है कि शेर शाह के समय या शेर शाह के काल में
टोटल कितनी टकसाल की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है 23 टकसाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 3, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? इसका प्रशासनिक सुधार, इसने प्रशासनिक में काफी सुधार करा, इसने कॉइन चलाया और काफी सारे काम इसने करे, रोड को रोड से जोड़ा, ग्रैंड ट्रक रोड जो था किसने निर्माण करा था, आपसे एग्जाम में ये पूछता है। तो ये भी मतलब कि इसने प्रशासनिक बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ था इसके काल में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, किसने बनवाया था? तो ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके बीच में इसने अपने शासनकाल में 4 बड़ी सड़कों का तथा 1700 सरायों का निर्माण कराया था। देखिए सराय बोलते हैं शेल्टर, ठीक है, जहाँ पे लोग टेम्परेरी रुक करके अपना थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि मैं ग्रैंड ट्रंक रोड बंगाल के सुनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली और लाहौर होते हुए पेशावर तक बनवाई थी इसने, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक चली थी, वो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको बड़े ध्यान से पढ़िए और 3 से 4 बार इसकी डिटेल को, जो इसका डिटेल दी गई है क्वेश्चन संबंधित, इसको पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, की शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? देखिए ये पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, पंजाब को जोड़ती है पूर्व बंगाल के साथ। जैसा कि हमने अभी देखा, देखिए दिल्ली एवं ये लाहौर होते हुए पेशावर तक ये बनवाई, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड बंगाल के सुनार गांव से कहां तक चली थी, ये लाहौर होते हुए पेशावर तक बनाई गई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, ये जोड़ती है पूर्वी बंगाल के साथ। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अब थोड़ा सा कि शेर शाह की मृत्यु कब हुई, तो इसकी जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, वो हुई कालिंजर में। कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे गए गोले के विस्फोट से शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। कालिंजर एक अभियान था जिसमें इसने टॉप चलाई, गोला निकला और वह दीवार से टकराया, वही गोला दीवार से टकराने के बाद में इसके ऊपर जा गिरा और शेर शाह बिल्कुल चूर चूर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मराठा साम्राज्य की। शेर शाह सूरी से संबंधित केवल क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देगा कि शेर शाह सूरी का की डेथ कब हुई, मृत्यु कब हुई, अंत कब हुआ, कहाँ लड़ते हुए हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग मराठा की, ठीक है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को, और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था, जो उसकी कैबिनेट होती थी उसको क्या बोलते थे? अष्ट प्रधान। क्वेश्चन नंबर 2, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? ये तीनों वर्ड आपको यूज कर सकता है, आप याद रखिएगा, मूल नाम, वास्तविक नाम और बचपन का नाम सभी सेम होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बट राइट आंसर इसमें से आपको याद रखना है, आपको 4 ऑप्शन में गौर नहीं करना है, आपको नोट्स में केवल इतना ही लिखना है कि नाना फडणवीस का मूल नाम, वास्तविक नाम या बचपन का नाम, ये लिखिए नोट्स में, ठीक है। क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी किसके शिष्य थे, आपसे ये पूछ सकता है, तो देखिए गुरु की जगह शिष्य बोल सकता है। शिवाजी किसके शिष्य थे, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो इनका नाम था रामदास। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1625 ईस्वी में पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या फिर बालाजी, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध, फिर लिखिए आप नोट्स में शिवाजी, ठीक है। और गुरिल्ला युद्ध का परिचालन शिवाजी ने किया था, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी, इन्होंने अपने शासनकाल में चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर लगाए। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 3 अप्रैल 1680 में इनकी डेथ हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था?
इसका राइट आंसर है राजा जय सिंह को। और दोनों के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, किस किस के मध्य? शिवाजी के मध्य और औरंगजेब के बीच में ये हुई थी संधि। इसका नाम था पुरंदर की संधि। और ये संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को। आप याद रखिएगा दोनों के मध्य क्या हुई थी? संधि हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा। ठीक है, पेशवा कहते थे। अगर आपने मूवी नहीं देखी है बाजीराव, ठीक है ना, तो आप वो मूवी देखिएगा। उसमें शायद रणधीर कपूर है और दीपिका पादुकोण है, तो और प्रियंका चोपड़ा भी है, तो वो मूवी देखिएगा। उसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो उसमें डेडिकेशन दिखाया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं, फिलहाल मूवी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे में मुझे ये वीडियो कवर नहीं करना है, जल्द से जल्द वीडियो ख़त्म भी करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि या ट्रीटी के द्वारा किलो को हस्तांतरित किया? ये थी पुरंदर की संधि। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर संधि के द्वारा किलो का हस्तांतरित किया। 11 जून 1665 को मुगल सेनापति जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य यह संधि संपन्न हुई थी या पूरी हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी इसने। देखिए छत्रपति ये था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है और क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है हमारे एग्जाम में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में किया था। इसका राइट आंसर है ताराबाई। देखिए राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी आदित्य के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु इसने संघर्ष जारी रखा। ये नहीं करा कि इसने पति की मृत्यु हो गई तो ठीक है अब मैं क्या करूं, ठीक है मेरा जीवन बेकार है, मैं सती हो जाती हूँ, ऐसा वैसा इसने कुछ नहीं सोचा। अपने जो पुत्र था तो उस पुत्र को तैयार करा और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु इसने संघर्ष जारी रखा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं SSC CGL 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, चौथ क्या है? ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता है? एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले भूमि कर को किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से ये कर जाना जाता था? तो उसका नाम याद रखिए, इसका नाम है चौथ। ठीक है, भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत थे काफी सारे, चौथ भी एक स्रोत उनमें से एक था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था, इसकी मात्रा राज्य की आय का 1/3 1/4 होती थी। मतलब कोई भी अगर स्टेट या राज्य पूरी जो भी इनकम करेगा आय कमाएगा उसका 1/4 भाग इसको देना पड़ेगा, किसको? शिवाजी को। और इस कर को बोलते थे चौथ कर, 1/4। याद रखिएगा 1/4 इसकी मत करना, देखो 1/4 भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की वहां ये क्वेश्चंस बन जाता है। यूपी प्रीलिम्स के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शिवाजी के द्वारा लगाया गया कर जिसको हम चौथ के नाम से जानते थे तो वो कितना भाग था टोटल आय का, तो इससे तो क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी का जो राज्य था उसके कैपिटल कहाँ थी, राजधानी क्या थी? उसका राजधानी थी रायगढ़। ठीक है, याद रखिएगा रायगढ़ इसकी राजधानी थी। और राज्याभिषेक जो हुआ था शिवाजी का वो यहीं पे हुआ था, कब हुआ था ये आप देखिए 1674 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ को। दूसरा प्रवर्तक जो थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, आप याद रखिएगा इसको और इसको आप स्किप मत करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि काल क्रमानुसार रखिए इन सब संधि को, इन सब ट्रीटी को। ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। अब हम थोड़ा सा मिलान करते हैं कि साल बाई की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1809 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1802 में। ये आपको पता होगा टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो संबंधित थी वो थी टीपू सुल्तान से। और बसीन की संधि हुई थी 1792 में और अमृतसर की संधि हुई थी 1782 में। तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा, इन सभी ईयर को नोट करिएगा और इस पूरे बॉक्स को जो ये पूरा कंप्लीट सारे के सारे जो भी ये संधि हुई थी इसको आप नोट करिएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। की पानीपत का तीसरा वॉर कब हुआ था, लड़ाई कब हुई थी? ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, ये आपको पूरा जो वर्ष है वो आपको याद रखना है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को पराजित करा था। तो इसमें कौन हुआ था विजयी? इसमें हुआ था अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोहफे प्रदान की थी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि तोहफे प्रदान किसने करी थी, वो ये पूछ रहा है किसके द्वारा इसको प्रदान हुई थी, शिवाजी को तोहफे किसने प्रदान की थी। ठीक है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। अब थोड़ा सा जो ग्रीन से पेन से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आप उस पर फोकस करिए, जरा इसको पढ़िए ध्यान से, कि ये तोहफे फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी। प्रदान करना, खरीदना, चलो ठीक है एक बात मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, पुर्तगाली की बात करी गई है, अंग्रेज की बात करी गई है और फ्रांस की बात करी गई है। देखिए पुर्तगाली भी है, अंग्रेज भी और फ्रांस भी है। ठीक है, तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों से इसने अपनी तोहफे परचेज करी थी, खरीदी थी, लेकिन यहाँ पे डच है नहीं, कुछ ऑड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया था 2000 में एमटीएस के एग्जाम में, तो वहां पे ये कन्फ्यूजन बनी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब ये हुआ, एसएससी डिपार्टमेंट ये करता है कि अगर उसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन गलत पूछा जाता है तो, या फिर किसी भी क्वेश्चन को गलत प्रेजेंट करा जाता है, तो यहाँ पे या तो ये कहना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि शिवाजी को तोहफे प्रदान नहीं की थी, तो इसका राइट आंसर होता है डच। ठीक है, नहीं, डच से इसने कभी कुछ परचेज नहीं करा है, लेकिन पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखिए यहाँ पे क्या है, इसने तीनों से परचेज करा था। अब तीनों में से कौन सा आंसर लगाएं, लेकिन लगा के आपको एक ना एक आंसर आना पड़ेगा। अगर आपका आंसर गलत भी होता है, पूरे सेक्शन 50 में से ऑप्शंस में कोई भी गलत हो जाता है, ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन है क्या लगाऊं, लेकिन अटेम्प्ट करिए। ऐसे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती तो अटेम्प्ट करिए उस क्वेश्चंस को, क्योंकि एसएससी डिपार्टमेंट आपको इसका एक नंबर पक्का देगा देगा, अगर आपका गलत होगा तब भी, सही होगा तब भी। अगर आप खाली छोड़ के आते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए स्मार्ट स्टडी यही होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं तो उससे पहले हमारी क्या तैयारी है, कितनी ईमानदारी से हमने पढ़ा है। अगर इस तरह से कोई सिचुएशन सामने आती है तो हम करें तो करें क्या, आखिरकार क्या पूरा क्वेश्चन छोड़ दें? नहीं, तब आपको अटेम्प्ट करके आना ही आना पड़ेगा, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूजन जहाँ पे आपको लग रही है तो आप टिक लगा के आइए, पक्का लगा जाइए और आपको एक नंबर डैम श्योर मिलेगा। अब मैं बढ़ता हूँ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यूरोपियन शक्ति पहचानी है जिससे शिवाजी ने तोहफे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। ठीक है, गोला बारूद इसने किससे प्राप्त करे थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, देखिए गोला बारूद मतलब तोप, तोप जहाँ से उसने अपने प्राप्त करी थी वहीं से उसने गोला बारूद लिया होगा। अब ये तो है नहीं कि तोपे कहीं से ली, गोला बारूद कहीं से लिया। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, फ्रांस, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी तोपे, और गोला बारूद भी क्या था, वहीं से प्राप्त होगा। अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन 2000 में हुआ और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2001 में, देखिए ऊपर टॉप में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो अगेन वही सिचुएशन सामने आ गई, क्वेश्चन नंबर 15 वाली और 16 वाली। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है और एक नंबर गेन करना है। ऐसी सिचुएशन एक्चुअली आती है एग्जाम में, ठीक है, आती है ऐसी, ये नहीं कि सभी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन, भाई वहाँ पे भी एग्जाम जो डिजाइन कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन पेपर जो भी सेट कर रहे हैं, वो भी एक इंसान होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। की नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? वो थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? संस्थापक कौन था पेशवाओं का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। पेशवा व्यवस्था की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय ही शुरू हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्रथम आंगल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ये संधि थी सालबाई की संधि। ठीक है, और ये संधि कब हुई थी हमने अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए जो मैंने अभी ग्रीन करा था हाईलाइट, ठीक है, ये वाला एरिया बात कर रहा हूँ। सालबाई की संधि आपने तभी याद कर लिया है, 1809 में हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉरी, सालबाई की संधि हुई थी यहाँ पर 1809 में। यहाँ बात करते हैं कि झगड़े हुए थे आपस में बीच में, मराठों के आपसी झगड़े थे, अंग्रेजों के मध्यस्थता के बीच में हुई थी, और 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव सेकंड के काल में, और 13 जून 1817 को पूना की संधि पर ये हस्ताक्षर करवाए गए थे।
तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में, उसके साइड में, उसकी बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे। इस चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड होते हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल जाएंगे। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं, केवल सब्सक्राइब पर क्लिक करके छोड़ देते हैं, तो जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको डेडिकेटेड, आपको स्पेशली हमारे चैनल के अंदर जाना पड़ेगा और वीडियो को देखना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको अभी भी नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो दोबारा से इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें, फिर सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।